बालवी ने मेरी हल्की की शक्ति छीन ली, पर उसे ये नहीं पता मैं और शक्ति बना सकता हूँ हल्की की। मुझे और जड़ी बूटी ढूंढनी पड़ेंगी। अब मैं इन शक्तियों को और शक्तिशाली बनाऊंगा। अब मुझे अपना काम चालू करना चाहिए। सबसे पहले अपनी जड़ी बूटी ढूंढता हूँ। अभी ये सोहेल कहाँ आ रहा है? सोहेल, हाँ इधर आ। चल अभी आ रहा हूँ। हाँ क्या कह रहा? अरे यार तूने नजमी को देखा ना? तो तू कहाँ जा रहा है? यार कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं यार, थोड़ा सा परेशान हूँ मैं यार। तुझे क्या परेशानी हो गई यार? कुछ नहीं यार, जब भी मुझे शक्ति मिलती है बाल भी मुझसे छीन लेता है यार। छीनेगा नहीं जब तू उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। यार बाली भी से कहकर मुझे थोड़ी शक्ति दिलवा दे, फिर मैं उन शक्तियों का सही से इस्तेमाल करूंगा। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे कभी शक्ति नहीं दिलवा सकता। मत दिला, ये तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी मैं बहुत जरूरी काम से आ रहा हूँ। अरे जा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो तो तुझे आने वाला वक्त बताएगा, देख। लगता है जो नई शक्ति की तलाश में है। चलो कोई नहीं, लेने दो, बालवीर को तो बुला ही लूंगा मैं बाद में। एक तो जड़ी बूटी मिल गई, इस बार मैं ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करूंगा जिससे मेरी शक्ति और भी शक्तिशाली बनेंगी। चलो मैं अब इसे लेकर चलता हूँ और भी जड़ी बूटी ढूंढने। अरे यार पे आम तो बहुत मोटे हैं, एक तोड़ लेता हूँ, कोई दिख भी नहीं रहा। अबे लगता है कोई आम तोड़ जाए, भी जाके पकड़ता हूँ साले को। अरे आम तोड़ लिया साले, तेरे चक्कर से मेरी पट्टी लग गई। साले अभी तुझे पेड़ से मानता हूँ, बिना पूछे आम तोड़ लिया। चल इधर को आ जा। पता तूने मेरे आम कैसे तोड़े, अब तुझे मारूं? अरे भैया तोड़े ही कब, मेरा हाथ भी तो नहीं पोंछ रहा। सह जी बचा। अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, जो बचाने आएगा वो भी पिटेगा। अबे लगता है नजमी को बाघ वाले ने पकड़ लिया, अब मुझे इस पैंट का यूज करना पड़ेगा। मेरा तो आता ही होगा। आने दो। नजमी भाग। चलो तुम लोगों को बाद में बताऊंगा बाघ वाले को मार के गए हो। अबे साले तू अकेले मुझे तोड़ने क्यों गया? अगर जाता तो मुझे बताता, अगर मैं नहीं आता तो फिर वो बाघ वाला तुझे बहुत मारता। अरे यार मैं इधर से गुजर रहा था, मेरा मन यार हम ये खाने का करने लगा कि मैं जाके हम ये तोड़ने लगा। यार तुझे पता नहीं है लालच कितनी बुरी बला है। अच्छा हुआ यार तू आ गया मुझे बचाने, आओ चलते हैं। शायद ये जड़ी बूटी इसके ऊपर है। आखिरकार मुझे सारी जड़ी बूटी मिली गई, अब चलते हैं हल्की की शक्ति बनाने। चलो मुझे सारी जड़ी बूटी मिल गई, अब इन जड़ी बूटियों को मिलाकर अपनी हल्की शक्ति बनाता हूँ, फिर अपने ऊपर उपयोग करता हूँ। अरे इसमें तो पावर निकलने लगी। आखिरकार हल्की शक्ति बनी गई, अब मैं इसे पीऊंगा नहीं, इसे और तरीके से इस्तेमाल करूंगा। सैजी और बालवीर बचकर दिखाओ मुझसे। अब मैं इसे इंजेक्शन में भरकर लगाऊंगा, फिर ये हल्की शक्ति और भी शक्तिशाली हो जाएंगी। नजमी ये प्लान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज रात अपने जाएंगे उस बाघ वाले को भी बहुत मारेंगे और उसके सारे आम तोड़ कर लेकर आएंगे। उसने मुझे मारा, मैं भी अपना बदला ले लूंगा। अबे ये पत्थर कितने मार दिया हमारे, जान ले वो हमला करा है किसी ने। ओबे ये हमला इसने करा है। सैजी के साथ तू भी पिटेगा आज। तू है कौन? अरे नजमी ये सोहेल है, अभी ये कुछ देर पहले मेरे पास आया तो और मुझसे कह रहा था कि बालवीर से शक्ति दिला दे, लेकिन मैंने मना कर दिया।
इसने लगता है कुछ जड़ी बूटी इकट्ठी करके इसने हल्की की पावर बनाई है और ये मुझसे बदला लेने आया है, साथ में तुझे भी नहीं छोड़ेगा। सही कह रहा है तू, लेकिन मैं गुस्से का तेज हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शायरी अपने से मिलकर मारती है। तुम मेरा सामना करोगे? मैं गुस्से का तेज हूँ। गुस्से का तेज है फिर भी एक बेल्ट में गिर गया तू। अब तुम्हें दिखाता हूँ अपना गुस्सा। अबे इसके अंदर तो बहुत ताकत है, हम दोनों तो इसका सामना ही नहीं कर पाएंगे। लगता है बालवीर को बुलाना पड़ेगा। हाँ बुला, मुझे बालवीर का इंतजार है। बालवीर क्या हो गया? बालवीर तुमने इससे हल्की शक्ति छीनी थी, लेकिन इसे हल्की शक्ति की जड़ी बूटियां पता है कहाँ पर है। इसने दोबारा से हल्की शक्ति बना ली और हम दोनों को मार रहा है। बालवीर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं गुस्से का तेज हूँ। तू यहीं पर रुक, आज तेरा ऐसा हल करूंगा तू कभी हल्क बनने की कोशिश नहीं करेगा। नजमी तू साइड से हट जा, अंदर तेरे चोट लग जाएगी। बालवीर मुझे और भी गुस्सा आ रहा है, अब तू गया। बालवीर तू सैजी को नहीं बचा सकता, आज तू भी मरेगा और सैजी भी मरेगा और सैजी का दोस्त भी मरेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बालवीर इसे क्या हो गया, ये मर गया क्या? ये अभी मरा नहीं है, ये कुछ देर के लिए बेहोश हो चुका है। अब जब तक ये बेहोश है अपने को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बालवीर पहले इसके अंदर से हल्की शक्ति निकाल लो और फिर इसकी याददाश्त भी निकाल दो जिससे ये हल्की शक्ति बना देगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, फिर ये कभी हल्की शक्ति नहीं बना पाएगा। चल अब मैं इसके अंदर से सारी शक्ति निकालता हूँ। मैंने इसके अंदर से शक्ति तो निकाल लिया, अब इसके माइंड में से वो याददाश्त निकालता हूँ। क्या हुआ बालवीर? मैं इधर क्या कर रहा हूँ, तुम इधर कैसे? तू इधर बेहोश पड़ा हुआ था तो हमने बालवीर को बुलाया तो बालवीर ने तुझे ठीक कर दिया। अच्छा चलो बालवीर मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं, और तुम लोग भी इसको बताना मत क्या हुआ था। ठीक है बालवीर। अच्छा हुआ बालवीर के सोयल ठीक हो गया, अब पता नहीं वो गुस्से में क्या क्या कर देता। अरे सैजी टाइम हो रहा है, अपने को गाँव में भी तो जाना है। अरे बालवीर चलो हम चलते हैं, हमें कुछ जरूरी काम है। चलो तुम लोग जाओ, मैं भी यहाँ से चलता हूँ। ठीक है। अरे मेरे हाथ दर्द हो रहा है इधर। अरे मेरे हाथ में इंजेक्शन निशान कैसे? ये तो बहुत गहरा जख्म है इंजेक्शन का, लगता है कुछ तो हुआ है। बालवीर और वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे इसका पता निकालना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा।